सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 75वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ और यह ध्यान विधि 52वीं है। भगवती भैरवी ने जो जिज्ञासा की थी भगवान भैरव से, तो उन्होंने इस ध्यान विधि को बतलाया था, तो यहां वे बता रहे हैं। तेजसा सूर्य दीपादिराकाशे सबरी कृते दृष्टिर निर्वश्य तत्रैव स्वात्म रूपम प्रकाशते। अर्थात सूर्य जिस तरह से प्रकाश देते हैं, रात्रि में जिस तरह से चंद्रमा प्रकाश देते हैं, और जैसे दीपक प्रकाश देते हैं घर में, उसी तरह से अगर हम प्रकाश पर दृष्टि डालें तो आत्मा का जो प्रकाश है वह हमें दिख सकता है, और वैसा कब हो सकता है जब हमारी दृष्टि वह जो है वह निर्विशेष रूप से हो, यानी इतनी स्थिर हो कि उसमें कोई विषय नहीं हो, तो ऐसा हो सकता है कि हमें आत्म प्रकाश मालूम पड़ जाए। तो यहां पर भैरव जी, आत्मा का प्रकाश कैसे महसूस किया जा सकता है उस विषय में एक दृष्टांत देते हुए समझाते हैं। तो आत्म प्रकाश के लिए क्या होना चाहिए कि दृष्टि जो है निर्विशेष होनी चाहिए, जिसमें कि कोई जो है इतनी उसकी विशेषता हो कि उसमें कोई विषय ना हो। दोनों ही बात है कि निर्वश्य होना चाहिए, यानी इतनी विशेष दृष्टि हो कि कोई विषय ही नहीं हो, यानी इतना हम फोकस्ड हो जाए कि हमें एक आत्म तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं पता लगे। अब ये दृष्टि कैसे हो सकती है, और आत्म तत्व जो व्यक्ति जानता ही नहीं है वो क्या जानेगा, कैसे जानेगा भाई। तो पहली चीज तो यह जान लीजिए कि जब आत्म तत्व की बात किया जाता है तो इसका मतलब है कि वहां पर कोई भी वस्तु नहीं है। आत्मा कोई वस्तु नहीं है, पहले इसको समझ लीजिए। तो इसका अर्थ यह है कि आप और आपकी आंखें जो हैं या आपका चित्त जो है अभी क्या करेगा कि किसी न किसी वस्तु पर फोकस करता है, किसी न किसी वस्तु पर केंद्रित होता है वह। तो आप केंद्र के केंद्र में जाते जाइए, कोई भी वस्तु अपने दिमाग में फोकस कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, किसी ध्यान आसन पर बैठ जाइए और किसी वस्तु पर फोकस कीजिए अंदर से, मन आंख बंद करके ही। तो जब आप फोकस करेंगे भीतर तो आपको तो हल्का सा ऐसे यूं तो कुछ प्रकाश मालूम पड़ता ही है, कोई वस्तु आपको मालूम पड़ेगी, वस्तु मालूम ही तब पड़ती जब कोई प्रकाश होता है। तो अब आपको उसके केंद्र में जाना है, ठीक उसके केंद्र बिंदु में चले गए, फिर उस केंद्र बिंदु के ऊपर और फोकस करिए
और फोकस करेंगे तो फिर उस केंद्र के केंद्र में जाएंगे। फिर और फोकस कीजिए, फिर उस केंद्र के केंद्र में फोकस कीजिए। तो इससे क्या होगा कि वस्तु सूक्ष्म से सूक्ष्म होते 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 अंततः फोकस के बाहर हो जाएगी, डिफोकस हो जाएगी। यानी वह इतनी सूक्ष्म हो गई कि उसका अब आप विभाजन नहीं कर सकते, यानी वह वस्तु रह ही नहीं गई। एक तरह से वो क्या हो गई, वह चेतन हो गई। वस्तु चेतन हो जाती है तब जबकि उसका आकार नहीं रह जाता है। और जितना आप फोकस करते जाएंगे आप पाएंगे कि रोशनी उतनी बढ़ती जा रही है। ये त्राटक होता है, त्राटक साधना की ही यह एक बहुत बड़ी विधि है। त्राटक एक बार भी किया जाता है, आप बाहर दीवारों में देख रहे हो या कहीं आकाश में देख रहे हो या कहीं भी कोई बिंदु बनाकर। और एक है कि आंतर त्राटक है, अंदर की ही आपको साधना करनी है। अंदर ध्यान कर रहे हैं तो अंदर ही वस्तु भी होना चाहिए। तो अंदर वस्तु है, अंदर जब वस्तु है तो उसके आप केंद्र में जाते जाइए, केंद्र में जाते जाइए। और जितना ज्यादा ही आप फोकस्ड होंगे उतनी ज्यादा रोशनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वस्तु जो है उतनी सूक्ष्म होती गई और सूक्ष्म वस्तु जो है वो प्रकाशित होती जाती है। और वस्तु जब बहुत ही सूक्ष्म हो जाएगी तो प्रकाश बहुत बढ़ जाएगा, और जब इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि वह पदार्थ भी नहीं रह जाएगी तो वह प्रकाश से भी बाहर चली जाएगी। तो उसको भी प्रकाश ही कहते हैं, प्रकाश के बाहर को। लेकिन यह तो एक साधारण, यह सामान्य प्रकाश एक है जो कि पदार्थ का प्रकाश है, जिसको हम लोग लाइट कहते हैं। लेकिन वह जो आत्म तत्व का प्रकाश है वह रश्मियां हैं। तो वह जो प्रकाश है आत्म तत्व का, वह प्रकाश जब हम इस प्रकाश से पार जाते हैं तब होता है। यानी भौतिक प्रकाश से पार होने के बाद आत्म तत्व का प्रकाश आता है। यह जो भौतिक तत्व का प्रकाश है वह भी उसी आत्म प्रकाश से प्रकाशित है, इसको भी समझ जाना चाहिए। अब इस भौतिक तत्व के प्रकाश में, उस आत्म तत्व के प्रकाश में क्या अंतर है? तो अंतर यह है कि यह जो प्रकाश है यह कहीं से चल के कहीं जाता है, यानी यह गति करता है। इसकी गति बहुत है, सबसे ज्यादा अभिज्ञान के हिसाब से, लेकिन फिर भी इसकी सीमा है, लिमिटेशन है। इसकी उपलब्धता कहीं है तो कहीं नहीं है, कहीं से इसको जाना है, इसका कोई स्रोत है, फिर कहीं तक जाना है, वही लक्ष्य है। तो वहां तक इसको जाना है। और यह जो प्रकाश है ये तो भिन्न भिन्न रंगों वाला प्रकाश है, क्योंकि इसमें जैसे जैसे वेवलेंथ बदलेगा, जैसे इसकी फ्रिक्वेंसी बदलती है वैसे इसका रंग बदल जाते हैं। लेकिन वह जो आत्म प्रकाश है वह ये विभिन्न रंगों वाला प्रकाश नहीं है, ना वह इस आंख से देखे जाने वाली चीज है। इस जो भौतिक प्रकाश है इसको तो हम आंख से देखते हैं, लेकिन उस प्रकाश को हम आंख से नहीं देखेंगे, उसको हम आत्मा से ही देखते हैं। आत्म प्रकाश को आत्मा से ही देखते हैं, यानी अनुभूत करते हैं। देखना शब्द जो है वहां पर जो है वो आंख से नहीं है, यानी आत्म प्रकाश जो है वो आत्म के का ही प्रकाश है और आत्मा के द्वारा ही दृष्ट भी है, आत्मा द्वारा ही देखा भी जाता है, कोई दूसरा नहीं देख सकता। यानी हम अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते, लेकिन हम जब हम इस प्रकाश को फोकस करते हैं तो हम उस प्रकाश तक पहुंचते हैं। यह एक बहुत बड़ी चीज है और बहुत लोग इसमें भरमा जाते हैं। आप बहुत जगह देखे होंगे, सुने होंगे प्रकाश प्रकाश हो गया, वो इस प्रकाश को ही प्रकाश समझ बैठते हैं, चूंकि दोनों के प्रकाश का ही प्रयोग हुआ है। तो यह जो भौतिक प्रकाश है इस प्रकाश को आप आत्म प्रकाश नहीं समझे,
लेकिन इस प्रकाश का स्रोत अवश्य है, तो इस प्रकाश के ऊपर फोकस किया जाता है। और ये इस प्रकाश पर जब फोकस करते हैं तो क्या होता है कि यह प्रकाश जो है अंततः उस परम प्रकाश में लीन हो जाता है। वह स्व प्रकाश है, फिर वह स्व प्रकाश जो है वहां से हमें परमात्म प्रकाश मालूम पड़ता है। वह जो परमात्म प्रकाश है उसको ही मोक्षत्व कहते हैं, मोक्ष सिद्धि वही है। तो यहां से यात्रा होगी और वहां तक यात्रा चलेगी। यह प्रकाश भी सहायक है, परंतु यह भरमाने की जरूरत नहीं है। भौतिक जगत का प्रकाश, ये भौतिक प्रकाश उस चेतन प्रकाश से साम्य रखता है कुछ अर्थ में, लेकिन बहुत सारे अर्थों में नहीं भी रखता है। वह प्रकाश उपलब्धि उपलब्धियों से कहीं जाना नहीं है, आत्म प्रकाश को कहीं ना कहीं से जाना नहीं होता है। उसकी स्पीड जो है इनफाइनाइट है, यानी उसकी उपलब्धता हर जगह है। और यह भौतिक प्रकाश की स्पीड जो है 386 मील प्रति सेकंड है। तो यह तो इसकी स्पीड है, गति है। तो यह और वह थोड़ा बहुत अंतर रखता है, लेकिन थोड़ा बहुत सामंजस्य भी रखता है, और यह हमारे लिए मददगार भी होता है। तो यहाँ पर उस प्रकाश की बात की गई है, भौतिक प्रकाश की भी, कि भौतिक प्रकाश की तरह से ही आप उसमें फोकस कीजिए तो उस प्रकाश में आप चले जाएंगे। यानी यह एक तरह से प्रकाश ध्यान का मर्म यहाँ पर बतलाया गया है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।